मृतक के आश्रितों से मिलने पहुंचे महागामा विधायक, दिलाया हर संभव मदद दिलाने का भरोसा। बीते दिन सिपिता गांव के समीप पिकअप गाड़ी का गुल्ला टूटने से अनियंत्रित होकर पलटी मार दिया था, जिसमें 6 लोग जख्मी हुए थे। वहीं महागामा प्रशासन एवं ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को रेफर अस्पताल महागामा भेजा गया था, जहां महागामा निवासी मुन्ना पासवान 29 वर्ष की इलाज के दौरान रेफर अस्पताल परिसर में ही मौत हो गई थी। 5 को चिकित्सक के द्वारा मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया था, जहाँ अभी भी इलाजरत है। वही मौत की सूचना मिलने पर मृतक के आश्रितों से मिलने, परिजनों से मिलने महागामा कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह मिलकर उनका जायजा लिया एवं उनके परिजन को खाद्य सामग्री, चावल, दाल, आलू, तेल सहित आर्थिक मदद की गई। साथ ही हर संभव मदद लाने का आश्वासन दिलाया गया। इस मौके पर असंगठित मजदूर कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश झा, उपाध्यक्ष प्रवीण मिश्रा, शिव कुमार, संजय यादव, विनोद यादव, अंतलाल यादव, फटीक यादव सहित अन्य कांग्रेस के कार्यकर्तागण मौजूद थे। महागामा के उर्जानगर हेलीपैड जाने वाली सड़क किनारे थैले में मिला नवजात शिशु का शव। गुरुवार की अहले सुबह महागामा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत उर्जानगर अस्पताल से हेलीपैड जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे एक थैला में भरा नवजात शिशु का शव मिला है। इस घटना के बाद पूरे महागामा में फतूल का विषय बन गया है। लोग दबे जुबान से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नवजात के शव को देखने के बाद लोग गर्भपात कर नवजात को फेंके जाने की आशंका जताया जा रहा है। मौके पर घटना की सूचना मिलने पर महागामा पुलिस पहुंचकर नवजात के शव को अपने कब्जे में लिया और गोड्डा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही महागामा थाना प्रभारी फागू होरो ने बताया है कि महागामा थाना में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस ने महागामा प्रखंड मुख्य कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति की जन्मतिथि मनाया। महागामा कांग्रेस कार्यालय में एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष इरफान काजी की अध्यक्षता में जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया व माल्यार्पण किया गया। इस दौरान असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमेश झा ने कहा, आज के ही दिन 15 अक्टूबर 1931 को अबुल पाकिर जैनुल अबुद्दीन अब्दुल कलाम रामेश्वर तमिलनाडु में पैदा हुए थे। एक गरीब मछुआरे के बेटा जिसने बेहद गरीबी में संघर्ष किया और 8 साल की उम्र में वह सुबह 4 बजे उठकर गणित पढ़ने के लिए जाया करते थे, क्योंकि उनके टीचर हर साल 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाते थे। इसके बाद वह नवाज अदा करते और रामेश्वर शहर की सड़कों पर अखबार बेचा करते थे। उनकी ईमानदारी और खुददारी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मई 2006 में राष्ट्रपति कलाम का सारा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया। कुल मिलाकर 52 लोग थे। उन्होंने उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनकी 1.5 साल की परपोती भी, ये लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके, अजमेर शरीफ भी गए। कलाम ने उनके रुकने का किराया अपनी जेब से दिया, यहाँ तक कि एक प्याली चाय तक का भी हिसाब रखा। और उनके जाने के बाद कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपये का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा। जब वह देश के 11वें राष्ट्रपति बने और 5 साल बाद देश के सर्वोच्च पद से विदा लेकर राष्ट्रपति भवन से निकले तो एक सूटकेस के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष इरफान काजी, असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमेश झा, उपाध्यक्ष प्रवीण मिश्रा, बिपिन बिहारी सिंह, मोहम्मद जहीर, कृष्ण कुमार, तफज्जुल आजाद, मोतीलाल यादव सहित अन्य उपस्थित थे। निबंधित श्रमिकों को महागामा प्रखंड मुख्यालय स्थित दक्षिणी पंचायत सचिवालय में बांटा गया शर्ट, पैंट, साड़ी। महागामा प्रखंड मुख्यालय स्थित दक्षिणी पंचायत सचिवालय में असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमेश झा, उपाध्यक्ष प्रवीण मिश्रा व मुखिया प्रतिनिधि विकास रजक के द्वारा संयुक्त रूप से शर्ट, पैंट, साड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान उमेश झा ने कहा, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की देखरेख में दशहरा पर्व को देखते हुए निबंधित श्रमिकों के बीच शर्ट, पैंट, साड़ी का वितरण किया जा रहा है, जिसके लेकर लोगों ने उनकी विधायक को की प्रशंसा की है। इस मौके पर प्रवीण मिश्रा, विकास रजक, विनोद यादव, विष्णु यादव, संतोष ठाकुर, ललित पासवान, नीरज झा सहित अन्य उपस्थित थे। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह लोगों की जन समस्याओं को लेकर गांव-गांव में जाकर करेंगे जनसंपर्क, जिसकी जानकारी महागामा कांग्रेस कार्यालय से तफज्जुल आजाद ने दी है। दिनांक 16/10/2020 दिन शुक्रवार को महागामा विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जनसंपर्क अभियान महागामा प्रखंड के कई गांवों में जाएंगे, जिसकी सूची और समय डकेता 7 बजे सुबह, भालू किता 7:20, करनू
740 बेल्टिकरी 8 बजे, पतरकानी 8:20, करनू भगत टोला 8:40, मनिया मोड़ ए 9 बजे, मनिया मोड़ बी 9:20, लखीपुर 9:40, किता पथार 10 बजे, खाद पथार 10:20, चनाई किता ए 10:40 एवं चनाई किता बी 11 बजे। इस आशय की जानकारी तफजुल आजाद कांग्रेस कार्यालय महागामा के द्वारा दी गई है।